हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में वेयर के साथ लाइक कैसे यूज करते हैं वो देखने जा रहे हैं। लाइक का यूज मोस्टली पेटेंट के हिसाब से रिकॉर्ड फाइंड करेगा। जो हमने बनाई है वो पेटेंट अगर मैच हो जाती है तो वो रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करके देगा। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बना के रखा है, वो एम्प्लॉय टेबल पे हम वेयर और लाइक क्लॉज यूज करेंगे। अब देखते हैं, ये नेम कॉलम है और अलग अलग पैटर्न हम बना के लाइक का यूज करके कैसे रिकॉर्ड फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करना है जिस एम्प्लॉय का नेम जे से स्टार्ट होता है और बाकी पीछे चाहे जितने भी कैरेक्टर हो, इस तरह का रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो आइए चलो क्वेरी कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, हमें यहाँ पे नेम के हिसाब से फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने जो नेम लिखा है वो कॉलम नेम है। फिर लाइक और सिंगल कोटेशन मार्क्स में यहाँ पे मैं जे लिखूंगा और परसेंटेज साइन लिखूंगा। मींस फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए जे और पीछे चाहे जितने भी कैरेक्टर हो, कोई भी कैरेक्टर हो। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, परसेंटेज साइन, और फिर सिंगल कोटेशन कंप्लीट करके सेमी कॉलन। तो ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें बताएगा जिस एम्प्लॉय नेम में स्टार्टिंग कैरेक्टर जे हो। तो ये क्वेरी सिलेक्ट करके हम रन करते हैं। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड फाइंड होता है जिसमें आप देख सकते हो स्टार्टिंग कैरेक्टर जे है और पीछे चाहे जितने भी कैरेक्टर हो। सेकंड हम बात करते हैं, लास्ट कैरेक्टर एच होना चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय नेम हमें फाइंड करना है, आगे चाहे जितने भी कैरेक्टर हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, परसेंटेज साइन लगाया, और लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एच। एम्प्लॉय नेम में लास्ट कैरेक्टर एच होना चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने ये पैटर्न बनाई और सिलेक्ट करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय नेम में जयेश, रमेश, महेश और आकाश, चारों एम्प्लॉय नेम में लास्ट कैरेक्टर एच है। तो ऐसा रिकॉर्ड हमें फाइंड करके दिया। अब देखते हैं, सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, तो फर्स्ट कैरेक्टर के लिए हम अंडरलाइन करेंगे, फिर सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए और पीछे चाहे कितने भी कैरेक्टर हो, तो इसके लिए हमें परसेंटेज करना है, और ये पैटर्न बना के हमें एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड कैरेक्टर ए है, वो सब एम्प्लॉय के रिकॉर्ड यहाँ पे हमें डिस्प्ले किया है। पीछे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू सो वन, वो सारे कैरेक्टर चाहे जो भी हो, ये ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करेगा कि जिस एम्प्लॉय नेम में सेकंड कैरेक्टर ए है वो ही एम्प्लॉय के रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले किया है। अब हम देखते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए और लास्ट कैरेक्टर एल होना चाहिए, बीच में चाहे कितने भी कैरेक्टर हो और कोई भी कैरेक्टर हो, ऐसा रिकॉर्ड हमें फाइंड करना है। तो हम ए, फिर बीच में चाहे कितने भी कैरेक्टर, इसके लिए हम परसेंटेज साइन लगाएंगे और लास्ट कैरेक्टर हमें एल होना चाहिए। तो ये पैटर्न ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करेगा जिस एम्प्लॉय नेम स्टार्टिंग विथ ए है और एंडिंग विथ एल है। तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड फाइंड किया जिसमें ये एम्प्लॉय अकुल है, उसमें ए स्टार्टिंग कैरेक्टर है और एल लास्ट कैरेक्टर है। तो अकुल नेम में ये पैटर्न मैच हो रही है तो अकुल का रिकॉर्ड हमें फाइंड करके देगा। अब फर्स्ट कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, सेकंड कैरेक्टर ए होना चाहिए, थर्ड कैरेक्टर चाहे कोई भी हो, फोर्थ कैरेक्टर ई होना चाहिए, फिफ्थ कैरेक्टर चाहे कोई भी हो और
सिक्स कैरेक्टर एच होना चाहिए, कुछ इस तरह से हमने पैटर्न बनाई है। तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो जयेश, रमेश और महेश में ये पैटर्न मैच हो रही है। तीनों एम्प्लॉय नेम में सेकंड कैरेक्टर ए है, फोर्थ कैरेक्टर ई है और सिक्स कैरेक्टर एच है। तो ये पैटर्न ये तीनों एम्प्लॉय में मैच हो रही है। तो ये तीनों एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले करके देगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेम कॉलम पे ही हम ये लाइक क्लॉज यूज कर सकते हैं, हम सिटी कॉलम पे भी लाइक क्लॉज अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सिटी, यहाँ पे हमने कॉलम नेम लिखा, लाइक सिंगल कोटेशन में हमें ए लिखना है, मीन्स ऐसी सिटी वाले रिकॉर्ड फाइंड करेगा जिस सिटी नेम स्टार्टिंग विथ ए हो और पीछे चाहे कितने भी कैरेक्टर हो। तो इसके लिए हमने परसेंटेज लगाया, सिंगल कोटेशन कंप्लीट किया सेमी कॉलन, और ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करेगा कि जिस एम्प्लॉय की सिटी स्टार्टिंग विथ कैपिटल ए हो और पीछे चाहे कितने भी कैरेक्टर हो। तो इस हिसाब से रिकॉर्ड फाइंड करेगा।